हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ले लिया है और ऐसे हमें नेक में कान्हा जी को पहनाना है। अब आगे की तरफ से हम ऐसे ले जाएंगे नेपी को और पीछे सेट करते हुए फिर हमने ये जो डोरी लगाई है इसको हम बांध देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। तो पीछे की तरफ से ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural_world268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन वुलन ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे बेबी पिंक कलर का ऊन ले लिया। ये काफ़ी अच्छा ऊन है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मोटा वाला ऊन है इसीलिए मैंने इसको सिंगल रखा है। और साथ ही साथ मैंने देखिए यहाँ पे 10 नंबर की क्रोशिया भी ले ली है। तो अब सबसे पहले हमें चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। लूप के अंदर हमें क्रोशिया डालना है, फिर हमें क्रोशिया में ऐसे ऊन को लपेटना है और इस लूप में से निकाल लेना है। फिर हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे। लॉक हो गया ये। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही आगे भी हमें चेन बनाना है। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो हमने टोटल 14 यानी कि 14 चेन बना के कम्प्लीट की है। अब हमें दो चेन छोड़ देनी है। तो एक चेन देखिए यहाँ क्रोशिया में है, फिर इसके बाद वाली ये एक चेन भी हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे। दो फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। दो फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, सिंपल सा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम बीन लेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम चेन बनाते हैं ना तो हमें थोड़ी सी ढीली ढीली चेन बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं हमने ना ही बहुत ज़्यादा टाइट चेन बनाई है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीली चेन बनाई है। इसी तरीके से आपको भी चेन बनानी है जिससे कि ये जो पहली लाइन है ना इसको बीनने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप टाइट चेन बनाते हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है और ढीली ढीली चेन में बहुत ही इजीली देखिए ऐसे हम क्रोशिया डालकर उनको फंसा कर निकाल सकते हैं। बीनना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही बीनते हुए हमने इस सिंगल क्रोशिया बनाकर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट चेन बची है, इसमें से भी हमने ये सिंगल क्रोशिया बना ली। पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको पलट लेना है। तो पलटने के बाद हमें शुरू में दो चेन बनानी है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लाइंस की शुरुआत में हमें दो चेन पहले बनानी है, उसके बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें ऐसे क्रोशिया में एक बार उनको लपेटना है। एक चेन पहले से ये देखिए क्रोशिया में है, फिर हम एक बार और क्रोशिया में उनको लपेटेंगे और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। तीन फंदे हो गए हैं तो क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालेंगे। दो फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालेंगे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बनाई। देखिए पहली लाइन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी और अब हमें सभी लाइंस में डबल क्रोशिया बनानी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सभी लाइंस की शुरुआत में हम दो चेन पहले बनाएंगे, फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे। तीन फंदे हो गए हैं तो क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालेंगे। दो फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालेंगे। ऐसे ही अब हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। लाइन
लास्ट तक हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है और दूसरी लाइन बीनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से दो चेन बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक लाइन की शुरुआत में पहले हम दो चेन बनाएंगे और अब हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये लाइन भी कंप्लीट करनी है, फिर हम इसको पलटेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बीनते हुए हमें एक पट्टी तैयार कर लेनी है। तो चलिए मैं एक पट्टी बीनकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इतनी लंबी पट्टी बीनकर तैयार कर ली है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी लाइन बनाई है। तो डबल क्रोशिया की मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, टोटल मैंने 16 यानी कि 16 लाइन बीन के कंप्लीट की है। और अब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल फंदे हैं वो भी 12 हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। और अब हमें इसको पलट लेना है, पलट कर हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो। तो हमने ये जो दो चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने देखे 3 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें 6 चेन बनानी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ नीचे से भी हम 6 चेन काउंट करके छोड़ देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6 चेन हमने नीचे से भी छोड़ दी है। और जो 7th चेन है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर देखिए दो चेन बची हुई हैं, इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया हमने बनाई और ये लास्ट वाली चेन में से भी हमने डबल क्रोशिया बना ली। तो देखिए इधर की तरफ से भी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। टोटल 12 चेन थी जिसमें से कि 3 डबल क्रोशिया हमने इधर बनाई, फिर 6 चेन हमने बीच में से छोड़ दी, फिर 3 डबल क्रोशिया हमने इधर बनाई। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और दो चेन बनाएंगे, ये एक और ये दो। फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी वाली भी डबल क्रोशिया हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने ये जो चेन बनाई है ना, इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि हमने चेन भी 6 बनाई थी। तो बहुत ही इजीली देखिए हर एक चेन में से ऐसे हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगेन मैं आपको बोलूँगी, ढीली ढीली अगर आप चेन बनाएंगे तो आपको डबल क्रोशिया बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बहुत ही ईजीली यहाँ पे ये कंप्लीट हो जा रहा है, ये 5 है और अब एक और डबल क्रोशिया हमने बनानी है यहाँ से। तो ये 6 डबल क्रोशिया हमने देखिए कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में ये 3 चेन बनी है, इसमें से भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी एज इट इज़, जैसा कि हमने शुरू किया था वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली, तो अब ये पूरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको फिर से पलटना है और जैसा कि हम पहले बीन रहे थे वैसे ही हम दो चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बीनते हुए हमें 2 से 3 लाइन बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर की तरफ भी हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 3 लाइन और बीन के कंप्लीट कर ली है। और अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको लॉक करेंगे। तो हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको खींच के ऐसे टाइट करेंगे, तो ये लॉक हो गया है। अब आप चाहें तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक्स्ट्रा ऊन कट कर सकते हैं, या फिर ये जो ऊन है इसको हम थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से ड्रेस में ही फंसा देंगे, जिसे कि ये पता भी नहीं चलेगा और ड्रेस खुलने का टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम कट करते हैं ना ऊन को तो कभी कभी ड्रेस खुलने भी लगती है। तो इसीलिए अब मैं फंसा देती हूँ ऊन को इसी में, देखिए ऐसे। अब हमारे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसकी टोटल लंबाई बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने 8 इंच यानी कि 8 इंच रखी है। और अब हम ड्रेस में लगाने के लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत अच्छा लगता है पिंक कलर के साथ। आप किसी भी कलर का ऊन यूज़ कर सकते हैं डोरी बनाने के लिए।
हमें फिर से ऐसे एक लूप बनाना है और लूप में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे, फिर हमें हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल के खींच कर टाइट करना है। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें डोरी बना लेनी है। डोरी बनाना बहुत आसान है और आप जितनी भी लंबी डोरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उतनी चेन्स बना सकते हैं। मैं थोड़ी बड़ी डोरी बनाती हूँ हमेशा, जिससे कि ड्रेस को बांधने में भी आसानी रहती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, तो इसीलिए मैं बड़ी डोरी बनाती हूँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी बनाकर भी तैयार कर ली है और अब नीचे की तरफ से ये देखिए हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है, तो पहले एक डबल क्रोशिया के पास जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालेंगे, फिर हमें तीन डबल क्रोशिया छोड़नी है, एक दो तीन, और फिर ये जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और जो गैपिंग है यहाँ से डोरी निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें डोरी डाल लेनी है, बहुत ही ईजी तरीका है, देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और डोरी डालने के बाद अब हमारी कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।